न्यूज़ वन इंडिया में हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर मथुरा से है जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर बरपा है। दो गाड़ियों की जोरदार भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में करीब 8 लोग घायल हैं। मथुरा से खबर है जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर बरपा है। दो गाड़ियों की जोरदार भिड़ंत, 3 लोगों की मौत। हादसे में करीब करीब 8 लोग घायल हुए हैं जबकि 3 लोगों की जान चली गई। मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर रफ्तार के कहर में 3 लोगों की जान पर बनाई 3 लोगों की मौत। दो गाड़ियों की जोरदार भिड़ंत में 3 लोगों की मौत, 8 लोग हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर बरपा है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक वो हादसा रहा होगा, कितना दर्दनाक वो तस्वीर रही होगी जिस दौरान में लोगों ने इस भिड़ंत को देखा होगा। जबरदस्त भिड़ंत में आप देखिए कैसे गाड़ी के पखच्चे उड़ चुके हैं। एक साइड से कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। आप साइड देखिए, उसके बाद उसका फ्रंट देखिए, पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। कृषि कानून पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। 3 कृषि कानून वापस लेने पर किसान संगठन अड़े हुए हैं। न्यूज वन इंडिया से बोले भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत, नए कानून हटाए बगैर आगे की बातचीत संभव नहीं। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, आंदोलन रहेगा जारी। लगभग चारों तरफ कुछ ऐसी ही तस्वीर है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और हमारे संवाददाता भी लगातार उन किसानों के बीच में हैं जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठे हैं। हमारे संवाददाता यूनुस खान ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से खास बातचीत की है, देखिए। यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत जी से बात करते हैं। राकेश टिकैत जी, जिस तरह से भारत सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया, किसानों ने उसको खारिज कर दिया है, अब आज दिल्ली में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या लगता है कुछ आगे की रणनीति तय हो रही है? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो भारत सरकार की है, वो तो उसके बाद बताएंगे वे क्या लेकर आते हैं। तो भारत सरकार अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर ये ना करती है जो भी आपके बिल हैं, तो उसको लेकर आगे आपकी क्या रणनीति है? उसे पहले ना तो करने दो, ना करने दो उसे, फिर बात करेंगे अपने लोगों से। तो अगर सरकार की तरफ से जैसे 2-6 मीटिंग अभी तक हो चुकी है, उसमें अभी तक कोई भी संशोधन आपको किसानों के हित में नहीं दिख रहा है, तो अगर कुछ बातचीत बढ़ती है तो कुछ आपकी तरफ से उम्मीद है होगी बातचीत आगे? हम तो बात कर ही रहे हैं। देखो, 3 बिल वापसी ले लें, MSP पे कानून बना दें, तो बात तो बनी रही, फिर कोई दूर थोड़ा है। अगर सरकार की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई डिसीजन नहीं आता है, तो क्या कल के बाद आप लोगों की तरफ से कुछ और है, डिसाइड है जो? नहीं, क्या होता, हम तो बैठे हुए हैं, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, हमारी नाराजगी है, हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो ये कब तक बैठे रहेंगे सर? क्या पता कब लोग को बैठे रहेंगे। तो कुछ तो डिसाइड होगा। अगर सरकार तो देखो अपनी तरफ से रोज आपको 2 दिन 4 दिन 6 दिन करते करते मीटिंग रहेगी, कोई बात नहीं, 26 तारीख तक तो बैठेंगे, 26 जनवरी तक। तो ये नरेश टिकैत जी का साफ कहना है कि आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा, चाहे सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया आए, तो उनका यही कहना है कि आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। हर दिन सरकार अपना पक्ष रख रही है और केंद्र की तरफ से बार बार दलीलें पेश की जा रही हैं कि ये जो 3 कानून है वो किसानों के हित में है, और तो प्रस्ताव भी भेजा गया लेकिन उस प्रस्ताव को भी किसानों ने खारिज कर दिया। इस बीच आपको याद होगा अमित शाह से मुलाकात हुई थी कृषि मंत्री की, कृषि मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस चले, सीधे आपको वहीं ले चल रहे हैं। बंगाल में अपने दौरे पर गए हुए हैं, पार्टी के अनेक कार्यक्रम उनके बने हुए थे, कार्यक्रम पहले से घोषित और प्रायोजित था, पश्चिम बंगाल की सरकार के भी ध्यान में वह कार्यक्रम था। कल भी यह समाचार आया था कि जिस प्रकार की सुरक्षा आदरणीय नड्डा जी को अपेक्षित थी वह सुरक्षा नहीं मिली, और आज उनके काफिले पर पथराव किया गया है। वहाँ पर हमारे महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी जो उनके साथ चल रहे थे, उनकी गाड़ी पर भी पथराव किया गया है। काफ़ी समय से ध्यान में आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की हिंसक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सामान्य तौर पर मत भिन्नता तो लोकतंत्र में स्वाभाविक होती है,
लेकिन इस प्रकार की घटनाएं आम तौर पर देश में देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन यह घटना लगातार बढ़ रही है और यहाँ तक बढ़ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको सुरक्षा भी है और उनके काफिले पर भी पथराव हो और उस पर अनदेखी सरकार की ओर से रहे, यह घोर निंदनीय है। और मैं पश्चिम बंगाल की इस घटना की कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और संबंधित जो लोग हैं उन पर कार्रवाई की मांग करता हूं। मैं समझता हूं पीयूष गोयल जी हैं, तो ज़रा अंग्रेजी के जो हमारे मित्र होंगे उनको इस विषय में। फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू ज्वाइन माय कलीग तोमर जी इन कंडेमिंग इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स द वायलेंट अटैक ऑन our national president Shri J.P. Nadda ji and the general secretary of BJP Shri Kailash Vijayawargi ji. It is a deplorable incident. It demonstrates a complete breakdown of law and order in the state of West Bengal. Since yesterday there was evidence of inadequate police presence for the national president of the world's largest political party. There were clear signals emanating from the establishment that they were uncomfortable with the growing popularity of the Bharatiya Janata Party in West Bengal. And the attack, the way the stones were pelted on the cavalcade, you saw the size of the stones, you saw the injuries that our senior leaders have faced. It is fortunate Mr. Nadda's car was bulletproof. Otherwise, this clearly was an attempt to muzzle democracy in West Bengal. And we strongly condemn it. We believe strictest of action should be taken on the goons who have attacked the national president of the BJP. In fact, this is not only an attack on Mr. Nadda, it is an attack on the very foundations of the democratic, rich democratic tradition of India. Once again, we demand the strongest of action and condemn this heinous incident of attacking Shri J.P. Nadda ji. मित्रों, आप सबके ध्यान में है पिछले संसद के सत्र में भारत सरकार 3 कानून लेकर आई थी। एक कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम और दूसरा कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु अधिनियम में कुछ संशोधन, ऐसे लगभग 3 कानून भारतीय संसद ने पारित किए। कृषि के क्षेत्र में ये 2 कानून हैं जिसमें कृषि उपज का व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है और उनके मूल्य आश्वासन से संबंधित है। इन दोनों कानूनों पर लोकसभा और राज्यसभा में 4-4 घंटे सभी दलों के जो सांसदगण हैं उन सब ने अपना स्वच्छंद होकर विचार व्यक्त किया, पक्ष और विपक्ष ने। लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में 4 घंटे की चर्चा पूरी हुई और उस समय जब मेरे जवाब देने की स्थिति खड़ी हुई तो प्रतिपक्ष के कुछ लोगों ने उस दिन बहुत ही एक अभद्र घटना को अंजाम दिया जो
देश के लोकतांत्रिक इतिहास में हमेशा काले धब्बे के रूप में अंकित रहेगी, लेकिन दोनों कानून पारित हुए, महामहिम राष्ट्रपति जी के पास भेजे गए और उनके हस्ताक्षर के बाद आज ये देश भर में लागू हैं। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में योजनाओं के माध्यम से और अनुदान के माध्यम से काफ़ी कुछ करने का प्रयत्न किया जाता रहा है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश गांव तक और खेत तक पहुंचे इसकी संभावनाएं ना के बराबर थी, और कानून के माध्यम से भी जो बंदिशें थीं वो खुलें इसका देश भर को इंतजार था। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार खेती किसानी आगे बढ़े, किसान की आमदनी 2022 तक दोगुनी हो, कृषि के क्षेत्र में निवेश हो, कृषक को आय सहायता के रूप में और अनुदान दिया जाए, योजनाओं को परिष्कृत किया जाए, इसके लिए मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ। आप सबको मालूम है कि 2014 से पहले सभी पत्रकारगण यहाँ मौजूद हैं, यूरिया की सीजन पर भयानक किल्लत होती थी, और जब यूरिया की ज़रूरत राज्य को होती थी उस समय मुख्यमंत्री डेरा डालकर दिल्ली में बैठते थे कि हमको पर्याप्त मात्रा में यूरिया मिल जाए, यूरिया की कालाबाजारी होती थी और देश के अनेक स्थानों पर पुलिस लगाकर यूरिया बांटने का काम किया जाता था। कई बार ऐसी घटनाएं भी आती थी कि रेलवे स्टेशन से यूरिया लूट लिया गया, बीच में कोई यूरिया का ट्रक जा रहा था उसको रोक लिया, क्योंकि लोगों को यह रहता था कि अगर यह सामने से निकल गया तो यूरिया नहीं मिलेगा। मोदी जी ने यूरिया को नीम कोटिंग किया और गत 6 वर्षों में कोई भी यूरिया की किल्लत देश को नहीं हुई, किसान को नहीं हुई, सुचारू रूप से यूरिया की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति होती रही। और इसलिए ऐसे तमाम सारे विषय हैं जिनको 6 साल में किया गया, मैं उनको आपके सामने रख सकता हूँ, लेकिन सारे विषयों को करते 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 इस बात की देश को अपेक्षा थी कि कानूनों के माध्यम से भी हमको कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इस मामले में पहले अनेक बार सरकारों के माध्यम से, कमीशन के माध्यम से, स्वामीनाथन साहब जैसे विद्वानों के माध्यम से ये रिकमेंडेशन की जाती रही। ये कानून आए तो इन कानूनों के माध्यम से सरकार की ये कोशिश थी कि किसान मंडी के जंजीरों से मुक्त हो और मंडी की परिधि के बाहर वह अपना माल किसी को भी कहीं भी और अपनी मनचाही कीमत पर बेचने के लिए स्वतंत्र हो, ये कानून में प्रावधान किया गया। मंडी परिधि के बाहर जो ट्रेड होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब स्वाभाविक रूप से किसान को बेचने की स्वतंत्रता मिल जाए, बिना टैक्स के खरीद फरोख्त हो, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। अभी कोई भी कानून इस बात को प्रावधित नहीं करता कि 3 दिन के भीतर उसके उपज का कीमत बेचने के बाद उसको भुगतान हो जाएगा, लेकिन इस कानून में इस प्रकार का प्रावधान किया गया।
मूल्य आश्वासन की दृष्टि से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नया विषय नहीं है, अभी तक कानून नहीं था लेकिन फार्मिंग हो रही थी, उसके अनुभव भी अच्छे हैं। हम लोगों को लगता था कानूनी प्लेटफॉर्म देंगे, इसका फ़ायदा लोग अच्छे से उठाएंगे, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित होगा, नई टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा, अपनी जोखिम को प्रोसेस पर ट्रांसफ़र करने में सफल होगा, बुआई के समय उसको मूल्य की गारंटी मिल जाएगी और किसान को और किसान की भूमि को कानून में पूरी तरह से सुरक्षा देने का प्रबंध किया गया। यदि विवाद भी हो प्रोसेसर और किसान के बीच में तो एसडीएम 30 दिन के भीतर उसका निराकरण करेगा, उसे कानून में बांधा गया और साथ ही साथ यह भी कानून में प्रावधान किया गया कि निर्णय अगर कभी किसान के विरुद्ध भी जाता है तो उससे वसूली सिर्फ आदान की कीमत की हो सकती है, उसके